friends. I am Dr. Vibhu Kavatra. I am practicing as a pediatric pulmonologist and an allergy specialist. एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो एक नेजल एलर्जी यानी नाक की एलर्जी होती है। इसके अंदर व्यक्ति को जो है वो बार बार छींकें आती हैं, नाक में खुजली हो सकती है और नाक से जो है वो पानी बहता है। यूजली वो वाटरी डिस्चार्ज यानी कि पानी ही होता है, कलर्ड या थिक म्यूकस नहीं होती है। एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है इट इज़ यूजली नॉट एसोसिएटेड विद फीवर, जबकि कॉमन कोल्ड जो होता है उसके अंदर फीवर हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं। प्लस जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है वो यूजली सीजनल होता है, किसी पर्टिकुलर मौसम के अंदर हो सकता है या किसी पर्टिकुलर एक्सपोजर के बाद जो होता है वो ट्रिगर होता है। उसके बाद जो कॉमन कोल्ड होता है उसके अंदर थिक डिस्चार्ज होता है, जबकि एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर यूजली जो होता है वो वाटरी डिस्चार्ज होता है। एलर्जिक राइनाइटिस या कोई भी फॉर्म ऑफ एलर्जी जो है वो आपकी फूड एलर्जेंस हो सकते हैं या एयर एलर्जी हो सकती है। सी द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टेल अ पेशेंट के आप जो है वो स्टीमिंग कीजिए। स्टीमिंग इज द मंत्रा। द बेसिक थिंग इज यू प्रोवाइडिंग हीट, यू प्रोवाइडिंग एनवायरमेंट विच इज फुल ऑफ वाटर, सो यू आर एक्चुअली क्लिनजिंग योर नोज। तो अगर छोटा बच्चा है तो उसको तो आप स्टीम ही दे सकते हैं, थोड़ा बड़ा व्यक्ति है तो उसको आप अलोम विलोम आता है या जलनीति है वो आप करके देख सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट को जो है वो फ़ायदा मिलता है। द फर्स्ट थिंग इन एनी डिजीज इज एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज, यानी कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम है, और वो चीज़ आप तभी मान सकते हैं जब आप खुद ये चीज़ फील करते हैं कि हाँ मुझे इश्यूज हो रहे हैं, चाहे मैं ऑफिस अटेंड नहीं कर पा रहा या मेरा बच्चा जो है वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा या स्कूल जाता है तो बच्चा बीमार रहता है। तो वो चीज़ आप उसको नॉर्मल मत लेकर चलिए। आपके लिए एक सिंपल सा रूल याद रखिए कि अगर बच्चे को साल में 4 बार से ज़्यादा जुकाम हो रहा है तो उसके लिए आपको एलर्जिक इवैल्यूएशन करवाने की ज़रूरत है। अनदर थिंग इज दैट एक बार आपको पता चल गया कि आपको डिजीज़ है, आपको अपने डॉक्टर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम दवाइयों की बात करें तो प्रॉब्ली आपके डॉक्टर की बहुत मदद हो सकती है अगर आप उसकी बाकी बातें अपने डॉक्टर की माने तो, यानी कि जैसे मैंने बताया स्टीम के बारे में, आप स्टीमिंग कीजिए, आप जल नीति कीजिए, आप खाने पीने के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली जैसे तली हुई चीज़ें हो गई या बाहर की चीज़ें हो गई, आजकल बच्चे चिप्स कुरकुरे खाते हैं ये सब मत खाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन एडल्ट्स के अंदर जो है वो बहुत कॉमनली होता है कि मैं नमकीन खाता हूँ, तो ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, तो आपके इश्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व रहते हैं।